India-China disengagement in a key standoff point of Gogra Hot Springs has now been completed ahead of the Shanghai Cooperation Organization. But there are now questions on whether India lost ground in the process. The local councillor says that Indian troops pulled back and conceded their land and that Indian territories have been turned into buffer zone in this disengagement process. To get more details on this, the local councillor is joining us on NDTV right now. Welcome, Sir Konchok Stanzen, who is the councillor of the area, and he's also the former executive councillor, the status of deputy minister in Ladakh Autonomous Hill Development Council. So what is it that you're alleging? You're alleging that India actually lost in the process of disengagement at the Gogra Springs. जी धन्यवाद सबसे पहले आपने मुझे शो पे मदद किया मेरा तो यही है कि आज तक जितने भी जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो सब में हमारे टेरिटरी ही डिस्प्यूटेड एरिया हुआ है और जो रिसेंट का अगर देखा जाए तो कल के जो फ्रिक्शन पॉइंट जो है PP-15 गोगरा और हॉट स्प्रिंग नहीं तो नहीं था लेकिन हमारे ट्रूप जो है PP-16 से पीछे गया है PP-16 जो पुराने वहां पे पोस्ट था करीब करीब 50 साल के जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है उसको कंप्लीटली वेकेट करना वो हमारे लिए मैं मानता हूं हमारे उस एरिया के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के नाते हमारे बहुत बड़ा ग्रेजिंग ग्राउंड जो है डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है बफर एरिया बन चुका है जो कुकरंग वैली बोलता है वो हमारे विंटर के मेन ग्रेजिंग एरिया होता था वो बफर एरिया हो चुका है जो कि इस फ्रिक्शन पॉइंट में PP-16 कहीं जिक्र नहीं था जी सो यू सेइंग द ग्रेजिंग लैंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बफर जोन आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना लैंड होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं अब अभी कौन सा नया LAC होगा नए पोस्ट कहाँ पे होगा वो क्लियर नहीं है जिस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो फोर्स जो है करम सिंह हिल तक शायद आएगा अगर उस हिसाब से देखा जाए तो करम सिंह से PP-16 तक 31 किलोमीटर है करीब 30 किलोमीटर है वहां से आगे फिर Alpha-3 करके है करीब 11 किलोमीटर तक हम पेट्रोलिंग करते हैं टुवर्ड्स PP-15 उस एंगल से अगर देखा जाए तो फिर 30-40 किलोमीटर का एरिया जो है बफर एरिया बन जाए 30-40 किलोमीटर का ग्रेजिंग लैंड बफर एरिया बन गया आप कह रहे हैं जी बिल्कुल तो अगर हम ये भी कहें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो क्या आप इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को एक कॉम्प्रोमाइज कहेंगे इंडिया की साइड पर हमने वही देखा है चाहे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट फ्रॉम PP-15 से लेके मुखपरी जो रिजनला रिंचन लगता जो जितने भी एरिया है वो पूरा चुशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है पहले भी देखा चुशुल में चाहे ब्लैक टॉप हो चाहे ग्रूंग हिल हो चाहे हेलमेट टॉप हो चाहे बम टॉप हो चाहे रिजनला रिंचनला मुखपरी वो मैक्सिमम एरिया जो है वहां से पहले जब डिसएंगेजमेंट हुआ था उसमें भी हमारे इंडियन साइड की मैक्सिमम ग्रेजिंग एरिया जो है बफर एरिया बन गया था उसकी वजह से हमारे मैक्सिमम विंटर की ग्रेजिंग एरिया जो है रिड्यूस हो गया था अभी उस एरिया में जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया होता था वहां पे नहीं हो पा रहा है इसी तरह फिंगर एरिया में भी वो डिसएंगेजमेंट हुआ है जो 15 फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बेशक वो गए हैं लेकिन हमारा जहां तक क्लेम है वो पूरा खत्म कर दिया आज की डेट में जो वहां पे पेट्रोल बेस बोलते हैं वहां तक भी वो एरिया तक फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच का एरिया भी बफर एरिया बन चुका है तो आप देखिए आने ला पे बफर एरिया बन ऑलमोस्ट बन गया है क्यू ला देखिए वो बफर एरिया बन गया है थरसंग ला है वो बफर एरिया बन गया है और हम आज की डेट में हॉट स्प्रिंग की तरफ से एक तरफ एक जो रोड जाता है रोड के राइट साइड की जितनी भी एरिया है वहां पे ग्रेजिंग करने नहीं देते हैं वहां पे अलो नहीं करता है तो मतलब ये है कि मैक्सिमम एरिया PP-15 से लेके पूरा रिजंगला रिंचनला तक की एरिया जो है बफर एरिया हुआ है जिससे हमारे नोमेड्स के बहुत सारे लैंड जो है डिस्प्यूट हुआ है और नोमेड्स जो है वही लैंड जो है हमारे लाइवलीहुड पे क्लियर कट इस पर जुड़े हैं वो जो है हमारे लिए असर करेगा जी वेरी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस है अभी आप मेंशन कर रहे थे न्यू LAC के बारे में उससे आपका क्या मतलब है अब ये है कि पहले हम फिंगर PP-16 पे परमानेंट पोस्ट है अब वहां से शिफ्ट कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारे पोस्ट तो होगा बीच में तो कहीं लगेगा ना अभी पता नहीं कहाँ लगेगा तो उसके बाद फिर वो
एलएसी तो तब से वो मतलब क्लेम होगा ना, लेकिन ये है कि हमारा जो परसेप्शन तो बहुत बहुत दूर है, लेकिन उस एरिया तक, उस एरिया जितनी भी कल हम वहां से विकेट करके आ रहे हैं वो तो बफर एरिया बन चुका है, वो तो नो मेंस लैंड बन चुका है उसके, वहां पे तो कोई पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग नहीं होगा, इवन हमारे ग्रेजर्स भी वहां पे अलो नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि वो धीरे धीरे करके तो खत्म ही हो जाएगा ना, जो हमें जो जो आज तक जो दिखने को आ रहा है। जी आप वहां के लोकल काउंसिलर हैं, तो आपने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पिछले महीने देखा भी होगा कि कैसे प्रोसेस चल रहा था, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन था कि इस एंड पर वो किस तरह से आया कि इंडिया को, जैसा कि आप कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपना लैंड? जी देखिए, आज तक के जितने भी राउंड टॉक्स हुआ, चाहे 16 राउंड टॉक्स हुआ, वो हमारे सिविलियंस को ब्रीफिंग नहीं किया जाता है। जो लोकल रेजिडेंट वहां पे बैठते हैं उनका क्या व्यू है, उनका क्या चीज, उनको क्या पूछना चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं पूछा जाता है। हालांकि हम जो है कई अरसे से, कई जनरेशन से हम वहां पे बैठते हैं, तो हमारा एक राइट्स भी तो बनता है लोकल्स का, लेकिन हमें नहीं पता बताया जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन हमारे बहुत सारे जो बात जो है नहीं कम्युनिकेट होता है, और जितनी भी जनरल लेवल का मीटिंग होता है उसमें हमारे सिविलियंस का कहाँ तक ग्रेजिंग एरिया है, कहाँ तक हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया है, जहां तक हमारा क्लेम है, जो हमारे शीप पेन होते थे, उस सब पे डिस्कशन हो रहा है नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमें जो आज जो दो तीन दिन पहले की जो डिसएंगेजमेंट हुआ उससे लोग बिल्कुल नाराज है, और जितनी भी आज तक जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, हाँ कंट्री के लिए सही होगा कि डिसएंगेजमेंट होना जरूरी है, बॉर्डर पे शांति होना जरूरी है, उसके साथ साथ इतना ज्यादा जमीन जो है डिस्प्यूटेड जमीन हो जाना, वो भी इंडियन साइड की एरिया जो है, लैंड जो है डिस्प्यूटेड हो जाना, वो हमारे लोकल्स के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा आज तक, अभी तक के जितनी भी डिसएंगेजमेंट। तो इसका रिजेंटमेंट आपको आगे लोकल्स के जो विलेज हेड है उनसे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो एरिया जो है वो कुग्रंग वैली, वो PP15, PP16, वो PP17 जो चंगलुंग योगमा एरिया बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग एरिया है, वो हमारे ग्रेजियर्स के लिए कितने इम्पोर्टेंस है वो हमें जानते हैं। जी अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस से अफेक्ट होंगे, कितने लोग थे जो ये ग्रेजिंग लैंड यूज कर रहे थे? वहां पे एक पंचायत हल्का पूरा वहां पे वो एरिया यूज करते हैं, जो खोबरांग युर्गो लुकुंग करते हैं, जो रिसेंट कल दो तीन दिन पहले की जब डिसएंगेजमेंट हुआ वो क्लियर कट जो है तीन गांव को इफेक्ट करता है, जो फिंगर एरिया है वो भी यही तीन गांव छोड़ के और भी चार गांव है उसका ग्रेजिंग एरिया को इफेक्ट करता है, वो चुशुल के जितने भी ग्रूंग हिल ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप का जो है डिसएंगेजमेंट हुआ था वो चुशुल पंचायत, टोटल जो है दो रेवेन्यू विलेज हेमलेट्स अगर देखते हैं तो 8 हेमलेट्स जो है क्लियर कट वहां से इस डिसएंगेजमेंट आज तक जितने भी हुआ है वो इफेक्ट करता है, और मेरे सुशील कॉन्स्टिट्यूएंसी के 75% जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, और मेरे मैक्सिमम गांव जो है बॉर्डर विलेज है, तो वहां पे लोग जो है लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, तो हमारा जब चारागाह ही रिड्यूस हो जाता है तो वो हमारे लिए सीधा क्लियर कट डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे लाइफ स्टॉक पे पड़ता है। जी तो आपका मैसेज सरकार को क्या रहेगा, क्या आप एक अल्टरनेट लैंड चाहेंगे इसके बदले में, या लोकल्स को वही लैंड वापस मांगने की मांग करेंगे? मैं इसी बात को पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ कि हमारा लैंड रिड्यूस हो रहा है, हमारे ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया पे हमें जाने के लिए मुश्किल होता है, तो उस समय सरकार या तो अगर वो जमीन अगर वापस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए या हमें फीड फोडर देना हो और कुछ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट उस पर ध्यान देना चाहिए, जो मैं कई साल से बोलते आ रहा हूँ। जी तो आपने ये भी मेंशन किया कि एक नो मैंस लैंड बन गया है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब लोकल्स उस एरिया में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाएंगे, वो एरिया एकदम लोकल्स के लिए बंद हो जाएगा और एकदम नो मैंस लैंड बन जाएगा, कोई भी लोकल्स उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे? जब आर्मी वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकल का वहां पे एक्सेस का बिल्कुल ही नहीं होगा वहां पे, तो मतलब वहां पे लोकल्स के लिए कोई वो जगह नहीं, वो मतलब परमिशन ही नहीं मिलेगी कि हम लोकल्स वहां तक जाए। तो इस ओवरऑल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर आपका सरकार को मैसेज क्या रहेगा इस मामले पर भी, कि लोकल्स को पहले से कॉन्वर्जेशन में, चर्चा में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, और इस मामले में भी कि लोकल्स का जो रोजी रोटी है वो उनसे छीन ली गई है? जी देखिए, मैंने क्लियरली आपको पहले बताया कि हमारे जितने भी लोग हैं, बसंदे हैं,
वो लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, वो ही हमारा सब कुछ है, वो उसी पर ही हमारे रोजी रोटी मतलब घर चलाते हैं। तो आर्मी जितने भी आते हैं वो 2 इयर्स के टेन्योर लेके आते हैं, चाहे आईटीपी हो जितने भी हो, लेकिन उनको उस 2 साल की टेन्योर में एक ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे जो जो बशिंदे हैं वो कई जनरेशन से वहां पे बैठते आ रहे हैं उनको असर करे। जी, मेरा यही सरकार से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए और हमें अपने व्यूज़ बताने के लिए, लोकल्स के व्यूज़ बताने के लिए। सो द लोकल काउंसलर देयर इज सेइंग दैट द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हैज शो कंप्लीटेड बट इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड्स ऑफ द लोकल्स। इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड दैट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड by the Indian side as a part of the disengagement process with China, and they also say that the grazing land, the livestock, was the basic source of income for the locals, and that has been converted. The grazing land has now been converted to no man's land. The locals won't be able to enter that stretch of 30 kilometers now that it has been compromised and it has been lost in the disengagement process with China. That's what the local councillor is alleging on the disengagement process at the Gogra Hot Springs.